बेल आइकन दबाइए और MotorOctane के वीडियोस सबसे पहले पाइए। एक और नई स्कूटर, वो भी होंडा की। यार इतने सारे स्कूटर्स तो ऑलरेडी हैं, तो ये अब होंडा ग्राजिया क्यों आई है? इसमें क्या अलग है, इसमें क्या नया है? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं MotorOctane। होंडा ग्राजिया एक 125 सीसी की स्कूटर है, और इसमें अलग क्या है? अलग यह है कि इसका हेडलैम्प हैंडल बार पे माउंटेड नहीं है, बल्कि नीचे माउंटेड है, और ये हेडलैम्प फुल एलईडी है, और इसकी वाइट लाइट है बहुत ब्राइट। ये फर्स्ट टाइम किसी स्कूटर में आया है, दूसरे किसी स्कूटर में आपको एलईडी हेडलैम्प नहीं। और इसकी अगर डिज़ाइन आप ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और शार्प स्टाइलिंग है। साइड से भी देखें तो ये थोड़ी बहुत डियो से मिलता जुलता है, लेकिन डियो से ग्राजिया काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। पीछे से भी अगर आप देखें तो इसका टेल लैंप एरिया जो है ये काफ़ी बड़ा है और वाइड है, तो दूर से भी ये बहुत इजीली नज़र आता है। इसमें 12 इंच का फ्रंट व्हील दिया हुआ है, जिसमें डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी आता है। ग्राजिया का एक और नया फीचर है इसका फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका स्पीडोमीटर, टैकोमीटर जनरली स्कूटर्स में नहीं आता है, पर इसमें आता है। सारा कुछ डिजिटल है और ये काफ़ी बड़ा भी है। इसमें एक और नया फीचर है 3-स्टेप इको स्पीड इंडिकेटर का। ये इको स्पीड इंडिकेटर आपको बेस्ट माइलेज डिराइव करने में हेल्प करता है। अगर आप 30 से 50 किलोमीटर की स्पीड के बीच चलाएंगे तो ये तीन लाइट्स जल जाते हैं और आपको पता लग जाता है कि आप बेस्ट इकोनॉमी जोन में स्कूटर चला रहे हैं। अगर आपको इसका सीट खोलना है तो इसके लिए भी एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है, एक सीट स्विच का, जो इग्निशन के बगल में दिया हुआ है। इसे दबाते ही सीट कुछ इस तरह से खुल जाती है, और सीट के नीचे भी स्टोरेज एरिया काफ़ी अच्छा है। 18 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस आपको इसमें मिलता है। इसमें एक हाफ हेलमेट आराम से फिट हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए कोई जगह दिख नहीं रही है। जी हाँ, इसमें मोबाइल चार्जिंग की जगह नहीं आती है सीट के नीचे, पर इसके लिए फ्रंट पैनल में एक ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें आप अपना फ़ोन स्टोर भी कर सकते हैं और वहाँ पर चार्ज भी कर सकते हैं। लेकिन चार्जर स्कूटर के साथ नहीं आता है, आपको अलग से एक्सेसरी में ख़रीदना पड़ेगा। स्विच गियर्स इसके वही हैं जो बाकी होंडा के स्कूटर्स पे आते हैं, एक्टिवा की तरह ही है सेम, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसका जो फुटवेल एरिया है ये भी काफ़ी स्पेशियस है और बिल्कुल क्रैम्प नहीं लगता है। आप देख सकते हैं मैं बैठा हूँ और मेरे नीज़ कहीं टच नहीं हो रहे हैं, काफ़ी स्पेस मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात है। ये स्कूटर कम्फर्टेबल भी है क्योंकि इसका सीट काफ़ी ब्रॉड है और इस पर राइडर और पिलियन दोनों कम्फर्टेबल रह सकते हैं। सीट हाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्ट राइडर्स को भी इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राजिया में 125 सीसी का इंजन आता है। ये वही इंजन है जो एक्टिवा 125 में भी आता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका पावर लगभग 8.5 BHP का है। अगर आप 110 सीसी के स्कूटर से अपग्रेड कर रहे हैं तो 125 सीसी में आपको बहुत ज़्यादा पावर का फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन डिफरेंस वहाँ आता है जब आप इसे कंटिन्यूसली क्रूज़ कर रहे हैं इस पे या हाईवे पे चला रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है। इसकी क्रूजिंग एबिलिटी 110 सीसी स्कूटर से बेटर है। ग्राजिया हैंडल करने में भी काफ़ी हल्की है क्योंकि इसकी बॉडी फाइबर की है, मेटल की नहीं है, इसकी वजह से इसका वेट काफ़ी कम हो जाता है और ये हैंडलिंग में काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस पर टर्न्स लेना और इसको पार्क करना, इसको स्टैंड पे लगाना उतारना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। अगर आप इसे रोड्स पे चला रहे हैं, स्पेशली हाईवेज पे, तो इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ग्राजिया का इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी स्मूथ लगता है चलाने में। ये हमेशा से होंडा का एक हाई पॉइंट रहा है और यही फीचर आपको ग्राजिया में भी मिलेगा। अगर माइलेज की बात करें तो आपको लगभग 45 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज इसमें मिल जाना चाहिए। इसकी टॉप स्पीड वैसे तो 85 किलोमीटर की है, लेकिन इसको 60-70 किलोमीटर के बीच में क्रूज़ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इसकी प्राइस लगभग 58,000 से स्टार्ट होती है और 62,000 तक जाती है। इसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं। होंडा ग्राजिया एक्टिवा 125 के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है और इसका इंजन भी वही है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग,
लुक्स और इसके प्रीमियम फीचर्स इसका हाई पॉइंट है। इसकी प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है अगर आप एक्टिवा 125 से कंपेयर करें तो, लगभग सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा वैल्यू पैकेज भी है। आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए और इसे सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मोटर ऑक्टेन के यूट्यूब चैनल को। ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड राइड सेफ।